मल्टीपल स्पॉट इज बट विद नाउ इक्वल डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर। तो टू और टू यहाँ पर क्या हो गया, फैक्टर हो गया, यहाँ पर फैक्टर बता के ये क्या हो गया था, इसका मल्टीपल हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ये तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, नाउ टुडे वी विल डिस्कस प्राइम नंबर, ठीक है। व्हाट इज प्राइम नंबर, आप पहले टर्म्स को क्लियर कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज एज इट इज सॉल्व हो जाएगी। कितना क्लियर आपका टॉपिक होगा आपकी एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल दे दी गई। नाउ फर्स्ट इज प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। व्हाट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बेटा आपने फैक्टर्स किए मल्टीप्लस आपको पता है। अच्छा जी, नंबर्स का नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स लाइक दैट वन एंड इट सेल्फ, नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद जिस भी नंबर का केवल दो ही फैक्टर होंगे, वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ, जैसे वन एंड ठीक है। लाइक अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर होता है, लाइक दैट जैसे थ्री है, सेवन है, इलेवन है, ठीक है। जिसको आप इसका अगर फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, वन से आप कर सकते हो, वन फैक्टर आप इसका देखिए, फैक्टर अगर आप इसका करेंगे तो वन इंटू थ्री जाएगा या थ्री इंटू वन होगा, वन थ्री थ्री और वन थ्री वन था थ्री। नेक्स्ट आपका सेवन था, सेवन के लिए वन इंटू सेवन होगा सेवन और सेवन मतलब सेवन, ये आपका होगा। तो वन एंड इट सेल्फ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वो सारे नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली एंड ओनली टू, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। दैट हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ, ये तब आप याद रखेंगे प्राइम नंबर जैसे याद आप one and itself, ठीक है। now next topic is next term, ठीक है। अब कौन सा है next term, is composite number, term clear लीजिएगा, अच्छे से अपने आप शॉर्ट हो जाएगी। composite number, composite number more than two factors, ठीक है, more than two factors, नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आप उसमें देखिए गाइड लाइन आ रहा है, ट्वेल्व लेते हैं, ट्वेल्व का फैक्टर करते हैं, फैक्टर देखिएगा ट्वेल्व पे, वन तो वो नहीं है, वन तो सब में चलता है, ठीक। टू सिक्स जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व, सिक्स टू जा ट्वेल्व, हाँ ट्वेल्व वन सा। तो ये और ये एक्सेल वाला हो गया, लेकिन हुआ लेकिन इसके बाद भी मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो मल्टीप्लस हो गया आपको पता है। तो नंबर विच नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, इसका दो से ज़्यादा अगर उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। क्लियर हो गया, टेन कैसे करके कर सकते हैं, टेन का देखिए टेन ही है आपका, टेन कैसे हो रहा है, वन इंटू टेन टेन, टू इंटू फाइव टेन, फाइव इंटू टू टेन एंड टेन वन सा टेन, ठीक है। तो फाइव टू भी है इसका, फाइव भी है इसका और टेन भी है, वन भी है, तो मोर देन टू दैट मीन द हेयर इज अ फोर फैक्टर ऑफ टेन। तो आप क्या कह सकते हो, मोर देन टू फैक्टर्स, यही इसका मेन टॉपिक है, मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विन प्राइम्स नंबर, ट्विन प्राइम्स नंबर। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम में क्या होता है, प्राइम आप जानते हो, आपको मैं बता चुकी हूँ प्राइम क्या होता है, ठीक है। अब ट्विन क्या होता है,
19 था ना, 31 एक्स ऑल आर प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे ट्विंस की बात हो रही, दैट मींस हम पेयर की बात करेंगे। आप इसमें से कोई भी पेयर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 3 और 5 का, ठीक, मैंने लिया 7 11 का, मैंने लिया 19 और 31 का, ठीक है। इसमें ट्विंस हम पेयर की बात करेंगे, पेयर में क्या होगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन राइट द कंप्यूटर राइट द
है, कंपोजिट आपको चेक कर लेना, कंपोजिट लिखना है, सॉरी कंपोजिट, ये कंपोजिट, ठीक है, तो ये तो से भी जा रहा है, ये भी आपका कंपोजिट है। आप डिविजिबिलिटी जैसे मैंने चेक करने के बोला था, कैसे एज इट इज करोगे आप, ये कंपोजिट है आपका, ये कंपोजिट है, ये आपका 67 है, ये आपका कंपोजिट नहीं है, 68 कंपोजिट है, 69 आपका कंपोजिट है, 70 कंपोजिट, ठीक। नेक्स्ट 71, 73, 77, ठीक, एंड 79, ये आपका, आप इसको चेक करो, कैसे चेक करो, जैसे फैक्टर है, जैसे मैंने फैक्टर सॉल्व करना बताया, आप इसे फैक्टर निकालिए, सिस्टम का एक करके मैं बता दूँ, बाकी मैं आपको साथ घर पे करेंगे, ठीक है। 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 31 हो गया, 31 भी हो गया, आप देखिए क्या 31 भी इसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर, 1 है, आंसर तो होना ही होना है, आपको पता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर 15 है, 17 दे रखा हुआ है, 21 23 दे रखा है, 31 43 दे रखा है, ट्विन प्राइम आप डिफरेंस अगर तो आ रहा है, दैट इज देखिए ट्विन, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 5 5, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, आपको बताया मैंने कितना पूछ रहा है, 15 17 21 23, 15 17 21 23, 15 17 21 23 41 43, देखिए पॉजिटिव है, कंटिन्यूअसली में आने वाला है, लेकिन इनका डिफरेंस 15 17 को है ना, इसका डिफरेंस कितना है, 21 21, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, 41 43, ये भी आ रहा है, दैट मींस ऑल आर विद 9 नंबर्स, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर फॉलोइंग देयर आर फोर प्राइम नंबर, वो प्राइम आपको चेक करना है, वो प्राइम कर लीजिए, कैसे करना है, फोर प्राइम आपको बताया था मैंने, फोर प्राइम में क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 एंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर फोर प्राइम, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following pairs, which pair following करना 4 5, yes, अब आपका cross examination देता 4 and 5 13 and 15, 4 and 5 13 and 15, ठीक, वो कल में आपको मैंने बताया था कि अगर जो भी है उसका 1 जो भी उसमें common factor आना चाहिए वो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, common factor आपका कितना होना चाहिए, 1, ये इसकी आइडेंटिटी है, इसकी प्राइम फैक्टर, ठीक है, अब आपको प्राइम है, ये आपका को प्राइम की आइडेंटिटी है कि आपका पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, अब फैक्टर 4 का आप निकालेंगे तो 1 × 4 = 4, 2 × 2 = 4, ठीक है, और आपका जाएगा 4 × 1 = 4, यानी कि मोर देन 2, मोर देन 1 तो है, ये 1 होना चाहिए, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, ओनली कॉमन फैक्टर 1, ये 1 से ज्यादा है, दैट मींस इट इज अ नॉट फोर प्राइम नंबर, ये आपका फोर प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आपका 13 एंड 15, 13 15 का फैक्टर निकालिए, 13 आपको पता है कि 1 × 13 = 13 एंड 13 × 1 = 13, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15, 1 × 5 = 1 × 15, ठीक है, 15 आएगा। नेक्स्ट है आपका 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, और आपका ये है 5 × 2 = 15, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर इसके कॉमन में यहाँ पर 1 और 13 है, लेकिन यहाँ 13 है, यहाँ ये कॉमन और ये कॉमन, 1 इज कॉमन, दैट इज 1 कॉमन हो गया, तो 13 एंड 15 आपका क्या हो जाएगा, 4 प्राइम नंबर, ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सी और डी इसका होमवर्क, होमवर्क इसका सी 7 का सी और डी, ये आपका होमवर्क है, ठीक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोप्लाइन क्लियर हो गया, एक्सरसाइज क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका 2 मैट्रिक्स सॉल्व होगा,
division method. Now, first we will solve free method. ठीक है, आप लोग पहले solve करेंगे. ठीक, highest common method. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो free method है बेटा, तो आपको उसके prime number से factor करते चले जाना है. जैसे अब आपको मान लीजिए
creation, God fought with him. ठीक है, next ये तो आप याद कर जाएगा, 12 24, ठीक है, next तो आप ये याद कर जाएगा, 26 12, ये तो ये जाएगा 23, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक, next इसका division कर देंगे, 16 और 48, इसको divide कर दीजिए